कोरोना वायरस करके काफ़ी लंबे समय तो जो आयल सेंटर्स हैं या इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने काम ठप पे है, उस मुद्दे को लेके अज मलेरकोटला अब्रॉड कंसल्टेंट्स एसोसीएशन की एक मीटिंग हुई है इतने और इन्होंने अपने सेंटर खोलन लैके गवर्नमेंट को अपील की कुछ रेजोल्यूशन पाए हैं। अज आप गल करांगे इस एसोसीएशन के प्रेजिडेंट है शाहिद साहब तो होर जो मैंबर इतने हाजिर हैं उन्होंने गल करते हैं पूछते हैं कि की रेजोल्यूशन उन्होंने अज पाए हैं। आओ गल करते हैं शाहिद साहब। शाहिद साहब वेलकम है थोड़ा रीसेंट टाइम के। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्कार टू वन एंड ऑल। सब तो पहला मामू रशीद साहब का शुक्रिया करदा जी कि जिन्होंने अपना रीसेंट टाइम न्यूज़ चैनल चला के एक मालेरकोले नू बहुत अच्छी गिफ्ट दे तरह दिता है। उस तो बाद अज जो साड़ी मीटिंग हुई है मालेरकोला अब्रॉड कंसल्टेंट एसोसीएशन की मीटिंग हुई है और रिगार्डिंग क्लासिज हुई है, जिस तरह कि आपको पता कि इस वक्त इंडिया कोविड 19 की वजह करके बहुत बुरे वक्त के गुजर रहा है और बुरे वक्त के काफ़ी चीज़ा आ रही ने, हर बंदा हर वर्ग ये अफेक्ट हो रहा डायरैक्टली और इनडायरैक्टली अफेक्ट हो रहा। इसे तरह हम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इसनों कंट्रोल भी किया और हौली हौली करके अनलॉक 1 अनलॉक 2 अनलॉक 3 के जरिए हर एक चीज़ को हौली हौली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और खोल रही है। सो इस करके असं भी यही सोच रहे हैं, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो नैक्सट अनलॉक आए वे भी साढ़े लिए कुछ अच्छी खबर हो, सू भी कुछ SOP वगैरह दे के साथ इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में खोलने की परमिशन दी जाए। ये सन शाहिद साहब तो इन्होंने अलावा आप गल करते हैं जनरल सैकटरी हैं इस एसोसीएशन के सुनील जी। सुनील जी की प्रॉब्लम की दिक्कत आ जो अज की डेट फेस कर रहे हो? प्रॉब्लम्स एजुकेशन इंडस्ट्री में सब तो जी पहली प्रॉब्लम है वो है फाइनैशियल प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलमोस्ट 22 मार्च तो लैके अज 19 अगस्त हो चुके 6 महीने हो गए, आयल्स इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल क्लोज ने, सिर्फ सानू जो फाइनैशियल प्रॉब्लम आ रही है, किराया सानू पै रहे, इलैक्ट्रिसिटी बिल असी पे कर रहे हैं, इंटरनेट बिल असी पे कर रहे हैं, टीचर्स नू ते इंप्लॉइज़ नू सैलरी कितना कितने असी दे रहे हैं, पर असी भी पूरे स्टाफ नू या सारी सैलरी नहीं दे सकते, जिस करके साडे इंप्लॉइज़ भी कितने ना कितने बेरोज़गार बैठे ने, घरे क्लास 4 इंप्लॉइज़ भी बेरोज़गार बैठे ने, सानू फाइनैशियल प्रॉब्लम है जिहड़ी सब तो वड्डी आ रही है। उस तो इलावा साडे कोल जिहड़े स्टूडेंट ने जिहड़े पहलां पढ़दे सी ते उह सानू बार बार अप्रोच कर रहे हैं कि सानू पढ़ाया जाए, बट साडा है एरिया रूरल एरिया होने करके स्टूडेंट्स नू असी ऑनलाइन क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि उन्हां कोल पूरे इक्विपमेंट्स नहीं है कि वह पूरा ऑनलाइन क्लासेस नू करे पढ़ सकन। असी उन्हां नू प्रोवाइड करने की कोशिश की भी है पर असी किते ना किते नाकाम रहे स्टूडेंट्स कोले पूरे इक्विपमेंट ना होने करके। और सर एक गल पूछूंगा कि जो थोड़े सेंटर ने खास तौर पर जो थोड़ी इंडस्ट्री है एक मनिया जाता बड़े हब के बड़े हॉटस्पॉट होंगे थोड़े को उत्तर रेंट भी थोड़ा काफ़ी होंगे सर? साडे रेंट्स ऑलमोस्ट जे आप मलेरकोटला शहर की गल करिए आई गैस 20,000 तो घट किसी का भी रेंट नहीं, ईवन पीपल आर पेइंग अप टू 50,000 रेंट्स एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट टू पे। बाकी सर ये कुछ मतलब जो थोड़े मालिक हैं उन्होंने सेंटर से वो कुछ एडजस्टमेंट करते होंगे? सर एडजस्टमेंट्स एक मंथली हो गया सी, 2 मंथली हो गया सी, पर हुन समा बहुत लंबा चला गया कई कोल क्योंकि इनकम का सोर्स सिर्फ वो रेंटल प्रॉपर्टीज ही ने, इस करके वो भी कितने ना कितने सा कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, ये साढ़े उपर बर्डन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। इस करके असी गवर्नमेंट में यह गुजारिश करांगे कि सानू चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए असी पूरे जिहड़े इहदे ने हैंड सैनिटाइजर मास्क असी हर चीज़ अपने को प्रोवाइड रखांगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखांगे, सानू किसी हद तक चाहे घट स्टूडेंट्स नू बुला के सेंटर खोलन की सानू परमिशन ये दी जाए। इन्हों तो अलावा एक होर मैंबर है इन्होंने उन्होंने भी गल करते हैं। सर की नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भुपिंदर है जी। हाँ भुपिंदर जी की अज की मीटिंग डिसाइड किया मतलब अपील है? देखो साड़ी अपील गवर्नमेंट में इदा कि भी सानू भी किसी ना किसी दिशा निर्देशों के अनुसार साढ़े कोचिंग सेंटर सानू खोलन की इजाजत दिती जाए, जिस करके जो असं मंदी के दौर में निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा मंदी के दौर में निकल रहे हैं तो सू कि ना कि आके सूरी सपोर्ट मिले, सू अपनी फैमिली का जो भी असं आपके बच्चों जो भी फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं जो भी फाइनैंशियल असं चंगी तरह कर सके, तो साढ़े नाल काफ़ी चीज़ा भी जुड़िया हुई हैं जिवें फ्लैक्स प्रिंटिंग वाले ने असी जब साडा काम चल रहा उन्होंने फ्लैक्स वगैरह का काम करवाने उन्होंने को इंपलॉई आते हैं उन्होंने रुजगार निकलता आउटपुट होंगे उन्होंने इनकम होंगी है, तो साढ़े नाल बुक मार्केट भी लगी बुकशॉप भी साढ़े जुड़िया हुई हैं, बच्चे अगर शहर च आएंगे कोचिंग लैनगे तो कित ना कि स्टेशनरी वगैरह समान खरीदेंगे तो ये कितने ना कि आगे सानू भी कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। साढ़े लैंडलॉर्ड्स जो साड़ी बिल्डिंग आदि ना साढ़े थोड़ा टाइम की एडजस्टमेंट पर जिमें सुनील जी ने दसिया पर हूँ उन्होंने भी नहीं कुछ साढ़े लिए है नहीं कंसैशन कुछ भी करने एडजस्टमेंट करने लिए, तो साड़ी मुख्यमंत्री साहब नूं भी अपील है कि सानू इहदे लई जो भी मापदंड नियमां शर्त जो भी हो सके उहदे अकॉर्डिंग सारा कुछ प्रबंध पूरा करांगे।
एक बार फिर आप जो प्रेजीडेंट है शाही साहब उन्होंने को चलते हैं। शाही साहब कितने ना कि अगर आप देखिए रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा थोड़े वर्ग के जो कंसल्टेंट्स हैं कोचिंग सेंटर हैं वो गवर्नमेंट को पे करते हैं GST की शक्ल च या होर टैक्सा की शक्ल च, यहाँ मतलब है कितने ना कि गवर्नमेंट भी इफेक्ट हो रही है थोड़ी फैक्ट। बिल्कुल सर बिल्कुल, साढ़े को तकरीबन गवर्नमेंट दी गाइडलाइनस नहीं सर, विदाउट लाइसेंस असं अपने इंस्टीट्यूट्स में रन नहीं कर सकते हैं। जो असं लाइसेंस होल्डर हो जाए तो सूँ GST नंबर भी मस्ट हो जाता है। जो साढ़े को GST नंबर है तो सूँ कि ना कि हर मंथ जो भी साढ़े को फीस की कलैक्शन होंगी है वह तकरीबन 18.5% GST सूँ गवर्नमेंट में पे करना पैंता। जिमें सुनील जी ने पहला दस कि आलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं सूँ बंद पियानू तो सूँ कोई इनकम नहीं हो रही है, तो जाहिर गल है कि अगर गवर्नमेंट में भी कोई किस्म की इनकम नहीं हो रही, सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ आलसो इन लॉस समहाउ। और एक गल सर होर पूछूंगा, जो बच्चे हैं बच्चे किमें इफेक्ट हो रहे हैं, तो की लगता भी किमें इफेक्ट हो रहे हैं? सर देखो बच्चे बहुत तरह के नाल इफेक्ट हो रहे हैं, सानू कितने ना कितने स्कूल के नाल एसोसीएट करके देखा जा रहा है कि स्कूल खुलेंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे, बट स्कूलों के अंदर जो बच्चे ने वो बहुत छोटी एज के होंगे, नर्सरी LKG UKG तो उपर तक जाते हैं, लेकिन जो साढ़े को बच्चे आते हैं वो आफ्टर +2 आते हैं, जिन्हें एज अप्रोक्सीमेटली 18+ हो चुकी होंगी ऑलरेडी, ग्रेजुएशन वाले आते हैं मास्टर डिग्री वाले आते हैं, तो बच्चे कितने ना कि पूरी तरीके अपनी केयर कर सकते देने। और सिमिलरली हूँ जिमें कि बच्चों की एजुकेशन तो बाद बाहर जाने के लिए गैप बढ़ता जा रहा, तो बाहरली जी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह ने तो गैप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इस COVID-19 की वजह करके लॉकडाउन की वजह करके बच्चों का फ्यूचर भी कितना कितने अफेक्ट हो सकता है। सो दैट इज़ वाई असं गवर्नमेंट में यही अपील करते हैं कि बच्चे कोई नैगेटिव स्टैप ना चकन, इस करके इसको खोलिया जाए ताकि जो बच्चे का जो गैप है इसको बहुत छोटा मन के बालिया जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ने उसको एक्सेप्ट कर सकन। और बारे जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है उत्तर एडमिशन ओपन है कि गवर्नमेंट अगर खोल होती है इतने थोड़ा एड्स चल पाता है या बच्चा थोड़े को बाहर जाने वास्ते आता है बारे कंट्री उस बच्चे ने एक्सैप्ट करेंगे? जी सर शुरू शुरू के COVID-19 की वजह करके पूरा वर्ल्ड ही क्लोज हो चुका है, सारे ही पता है, लेकिन हूँ पिछले मंथ की यानी कि July 16 तो पेपर IELTS का स्टार्ट हो चुके हैं, IDP हो ब्रिटिश कौंसल हो दोनों ने अपना एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिता है, और उस तो बाद रही बात अंबैसी अंबैसी ओपन है सर, एप्लीकेशन लॉन्च हो रही ने और हर एक चीज़ हो रही है, एक दो फॉर्मेलिटीज ने जो इस वक्त बंद पईयां ने, होप्स जो ही खोलन दे परमिशन आती है नाल दी नाल वीजे भी स्टंप होने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल जी AIP है अप्रूवल इन प्रिंसीपल दे विच फिलहाल आ रही ने। इट मीनस तुम ये कहने हो कि कम जोड़ा गया चल पाया? सर कम ऑलरेडी ओपन हो चुके है जी, और बच्चे कितने ना कि डायरैक्टली और इनडायरैक्टली कितने ना कि होर जाके क्लासिज लगाते हैं या गलत तरीके लगाते हैं, जिससे कि अगर गवर्नमेंट या पुलिस प्रशासन कोई होर उत्थे जाता है तो उत्थे बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई होंगी तो कितने ना कि बच्चे का फ्यूचर बड़ा खराब होने के चांसिज ने। सो इस एक नंबर के जिमें कि पहले ही मैंबर ऑलरेडी कह चुके हैं कि किस कुछ ना कुछ गाइडलाइनस के नाल सानू भी ओपन करने की परमिशन दी जाए। देखो हूँ मैरिज पैलेस भी खुल चुके हैं, जिम भी खुल चुके ने, सिनेमा हॉल भी खुल चुके हैं, तो सानू भी कितना कितने कंसीडर किया जाए, जो भी गाइडलाइनस हो उसमें फॉलो करने के लिए तैयार। ये सन प्रेजीडेंट बलेरकोटला अब्रॉड कंसल्टेंट एसोसीएशन शाहिद जी, और इन्हों तो अलावा इन्हों के मैंबरस ने यह अपील की है गवर्नमेंट को कि कितना कितने इन्हों परमिट किया जाए, इन्हों इस चीज़ की आग्ञा दी जाए कि अपने सेंटर खोलन। जिस तरह इन्होंने दसिया कला एक मतलब इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर बंद होने के ना कि बहुत सारे किते इफेक्ट हो रहे हैं, और नाल इतों तक भी है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू के उपर भी इफेक्ट पै रहा है। हुण देखना यह होगा कि इन्हों की अपील का गवर्नमेंट की असर लेंदी है।